चलिए आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा विच इज नोन एज द बेंड जेनरेटर। ये अभी डे वन के अंडर में आया है तो सरल होगा, इट इज वेरी इजी। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप एक बार प्लीज देख लीजिए। क्रिएट अ ग्रीटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। ग्रीटिंग का मतलब जैसे एक मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू बैंड जेनरेटर प्रोजेक्ट। बैंड मतलब जो हाथ में बैंड हम बांधते हैं। सिंपल एक वेलकम मैसेज आना चाहिए। आफ्टर दैट आस्क द यूजर फॉर द सिटी दैट दे ग्रू अप इन, जिसमें जो यूजर है वो बड़ा हुआ है जिस शहर में, उस शहर का नाम हमें एज एन इनपुट लेना है। एंड थर्ड ऑप्शन इज आस्क द यूजर फॉर द नेम ऑफ अ पेट। हर इंसान किसी एक पेट को पसंद करता है, इट कैन बी अ रैबिट, इट कैन बी अ पपी, कोई भी। आपको बस सिटी को और पेट को कंबाइन करना है। सिंपल कंबाइन द नेम ऑफ देयर सिटी एंड पेट एंड शो देम देयर बैंड नेम, और आपको उन्हें मर्ज कराकर वो आपको एक एज अ बैंड नेम आपको डिस्प्ले कराना है। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेक श्योर द इनपुट कर्सर शोज ऑन अ न्यू लाइन। जब भी कभी आप इनपुट लें तो जो कर्सर है वो नई लाइन पर आना चाहिए, यानी कि आपको स्लैश एन इसमें आपको मैनुअली देना पड़ेगा। मैं आपको इस प्रोजेक्ट को सिंपल एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूं, देन यू वुड अंडरस्टैंड राइट। मैंने सिंपल F5 प्रेस किया टू एग्जीक्यूट दिस वन, और आप ये नोटिस कर रहे होंगे एक मैसेज आ रहा, वेलकम टू द बैंड नेम जेनरेटर। उसके बाद उसने बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी यू ग्रीव अप इन, और देखिए कर्जर नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये यहां पर ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे मैं जिस शहर में बड़ा हुआ उसका नाम है आगरा, मैंने एंटर प्रेस किया, व्हाट इज योर पेट्स नेम, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया पपी, डॉग का स्मॉल वर्जन, करेक्ट। देन प्रेस एंटर, तो यहां पर एक मैसेज आया योर बैंड नेम कुड बी आगरा, स्पेस दे दिया और यहां पर लिख दिया पपी। तो आप ये नोटिस करना, जो गाइडलाइंस मैंने आपको यहां पर दी होंगी कि क्रिएट अ ग्रीटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट, आस्क द यूजर फॉर द सिटी, सो यहां पर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बताने की कोशिश की है। सिंपल मैसेज प्रिंट कराना हमको आता है, वी नो हाउ टू जेनरेट द मैसेज, प्रिंट में लिख दिया वेलकम टू द बैंड नेम जेनरेटर। जब भी कभी हम इनपुट लेते हैं उसके लिए हमारे पास इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख दीजिए, और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है स्लैश है। आपने देखा था कर्जर हमारा नई लाइन पर आ रहा था, और आपने वहां पर जो एज एन इनपुट दिया था विच इज व्हाट आगरा, भाई जो वैल्यू आपने डाली है वो कहीं तो स्टोर होगी, वो वैल्यू हमारी कहीं तो स्टोर होगी ना, तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल बना लिया सिटी। इसमें वो आगरा आकर क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। ऐसे ही दूसरी बार व्हाट इज योर पेट नेम, स्लैश एन से नई लाइन पर आ गए, और यहां पर आपने लेट अस अज्यूम क्या डाला था, पपी, और ये वैल्यू हमारी किसमें आके स्टोर हो गई थी, पेट में। और फाइनली इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने कहा था योर बैंड नेम कुड बी, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये प्लस हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। यहां पर सिटी की वैल्यू आ गई, बीच में थोड़ा स्पेस दे दिया, और यहां पर हमारे पेट की वैल्यू आ गई है। सो इस प्रोग्राम में मेरी समझ में आपने प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के साथ फेमिलियर आप हुए होंगे मेरी समझ में। इसमें एडिशनली मैंने स्लैश एन का पुट बताया है। ये कोड आपको इस वीडियो को पॉज करके
आप सिंपल स्टार्ट में जाना और आइडियली ये अज्यूम किया जा रहा है कि पाइथन आपके में इंस्टॉल्ड है। सो जब मल्टीपल लाइंस होती हैं तो हम फाइल में जाते हैं और न्यू फाइल, यहां पर आके उस कोड को आपको टाइप करना है स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन प्रिंट लिख दिया आपने और यहां पर क्या लिखा आपने, वेलकम टू बैंड जेनरेटर, दैट्स इट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी लाइंस आपको लिख देनी है। आप इसे कंट्रोल एस करके आप सेव करा देना। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता हूं। हम डेमोज में गए और यहां पे लिख दिया माई बैंड प्रोज, देन प्रेस एंटर। रन कराने के लिए सिंपल रन में जाके रन मॉड्यूल कर सकते हैं या फिर आप F5 प्रेस कर दीजिए, राइट। सो आपने इससे क्या सीखा ये प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।